गुड मॉर्निंग एवरीबडी, कैसे हैं आप लोग सब? तो अभी बज रहे हैं 11 सुबह के। मैं रात को जल्दी सो गया था और सुबह एकदम जल्दी उठ गया था, 4:30-5 बजे। मतलब इतने बजे ही उठना चाहिए सब लोगों को मोस्टली। उसके बाद वही चल रहा था मेरा, यूट्यूब पे देख रहा था कमेंट्स कितने आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर बढ़े हैं, और फिर उनके कमेंट्स को रिप्लाई कर रहा था, और दैट्स इट। फिर वापस से सो गया और अभी बज रहे 11 और अभी थोड़ा टाइम पहले ही उठा हूँ। तो मैंने सोचा एक ऐसी व्लॉग बना देता हूँ आप लोगों के लिए और बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक दिन चल रहा है, जैसे कि हमारा पूरा दिन का रूटीन वो कैसी है। पूरे दिन की रूटीन तो पता नहीं अगर कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, बट जितना भी है आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। ये देखो मेरा माइक का स्टैंड मैंने इधर लगा के रखा हुआ है, इस पर माइक अटैच कर देता हूँ और फिर यहाँ से जो मेरे वॉइस ओवर्स हैं वो कर लेता हूँ। तो मैंने ब्रश वगैरह कर लिया, आप लोग ऐसा मत बोलना कि सुबह उठ के कैमरा उठा के चल दिया शूटिंग करने के लिए। मैंने ब्रश किया, अपने बाल थोड़े से बनाए और मुंह धोया, और फिर अभी जा रहा हूँ नीचे और देखता हूँ कि क्या सिचुएशन चल रही है नीचे, क्या है नाश्ता पानी खाने के लिए। यार सीरियसली लेट उठना इट्स नॉट अ गुड थिंग, जल्दी उठना ही अच्छी बात है। जल्दी उठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जल्दी से ख़त्म भी हो जाती हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या नाश्ते में? गुरजी तुम्हारे लिए। जी की भी उठ गई। गुड मॉर्निंग जी की। गुड मॉर्निंग। क्या गर्ल्स है ना थोड़े अनकम्फर्टेबल होते हैं कि सुबह सुबह उठे कैमरा के सामने में सीधा आ गया। अपने जैसा नहीं है कि कैसे भी हालत हो सीधा कैमरा उठाओ और चल दो शूट करना चालू कर दो। उनको थोड़ी सी ऐसी शर्म रहती है, क्या थोड़ी शर्म आती है, अरे वो कैसे रिकॉर्ड कर दिया, मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे थे, मेरे मुंह नहीं धोया था। बट अभी तो लोग फ्रेश होके आए हैं, बट फिर भी थोड़ा सा एक समझ रहे ना आप लोग। अरे मैं आज तो भूल ही गया यार, दाना डालना है। दाना ही नहीं है। पानी है शायद, पानी देखता हूँ ठंडा है कि गर्म हो गया। पानी गर्म हो गया यार, तो पानी ठंडा भर के लेके आता हूँ। बस थैंक यू। वो ये चाव में, अगर आप लोगों के यहाँ पर भी बर्ड्स आ रही है खाना खाने के लिए तो ठंडा पानी रख दो उनके लिए, और थोड़ा बहुत अगर खाना है आपके पास दाना है तो वो भी डाल देना, क्योंकि गर्मी होती है ना जैसे, तो उनको पता नहीं चलता है। कीड़े मकोड़े तो खाती रहती हैं वो लोग, धान वान जहाँ भी मिलता है खाते हैं बर्ड्स, बट अगर उनको थोड़ा प्यार से दाना मिल जाएगा ना तो दुआ देंगी आपको और आपकी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस आएगी। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कभी भी। मेरी मम्मी हमेशा जाती है, गाय को खाना डालती है और कुत्तों को खाना डालती है नीचे बिल्डिंग के, और उनसे ही मैंने सीखा कबूतरों को दाना डालना। और इसलिए यहाँ पर मैं हमेशा से जब भी यहाँ पर आया हूँ ये चीज़ करना ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ पर दाना डाल दूँ और पानी डाल दूँ। और ये हम लोग दाना लेके आए हैं यहाँ पर, देख लो आपको, ये बर्ड का ही है, देख रहे हैं आपको बर्ड की फ़ोटो। अलग अलग कलरफुल बर्ड्स आती हैं, एंग्री बर्ड वो भी आती है यहाँ पर। तो इससे पहले कि इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँ आगे बढ़ाऊँ, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। न्यूयॉर्क में मेरी एक फ्रेंड रहती है, उनका नाम है रितु, तो वो भी मेरी तरह ही व्लॉगर हैं यूट्यूबर हैं। तो मैंने उनको बोला था कि अगर हो सकता है तो आप अपने भी मुझे वीडियोज़ भेजना, मैं अपने यूट्यूब की फैमिली को बताना चाहूँगा कि न्यूयॉर्क में अभी क्या सिचुएशन चल रही है और वहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है। तो आप लोग ये वीडियो देखो, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ उनके चैनल पर जाना और सब्सक्राइब भी कर देना। नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आपके हाल? मेरा नाम है अलविली रितु और अभी आप मुझे देख रहे हो रोहन के चैनल पे। अच्छा आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एज एन इंडियन यूट्यूबर मेरी लाइफ कैसी है यूएस में। आई होप आपको मेरे साथ घूम के मजा आए, लेट्स रोल। ब्रेकफास्ट रेडी है, मैंने बनाया अपने लिए ग्रीन टी और साथ में एवोकाडो टोस्ट, उसके ऊपर मैंने मसालेदार चटनी डाली ताकि बहुत अच्छा फ्लेवर आए। फटाफट से खाते हैं और फिर मैं आपको नीचे अपने डाउनटाउन शहर घुमाती हूँ। आज
अच्छा तो अब हम नीचे आ चुके हैं। जो यूजुअली मैं वीडियोस बनाती हूँ अपने चैनल अलबेली ऋतु पे, वो बहुत ज़्यादा न्यूयॉर्क से रिलेटेड होते हैं, जो न्यूयॉर्क शहर है वहाँ शहर में कैसी चीज़ें हैं, क्या क्या टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बट एज ऑफ नाउ कोरोना है तो मैं वहाँ नहीं जा रही। अभी मैं आपको अपना शहर दिखा रही हूँ जहाँ मैं खुद रहती हूँ, स्टैमफोर्ड। तो ये जो जगह है ये मिक्स है, यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट भी दिखेंगे और साथ ही में आपको एक नेचुरल हैबिटेट भी मिलेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी कोरोना है लेकिन लोग एक्चुअली में खाना खाने आ रहे हैं, तो ये जगह है। इसके बाद अब हम नेचुरल ब्यूटी देखने चलते हैं। मेरा दिन कंप्लीट नहीं होता अगर मैं पार्क में ना आऊं। ये जगह मेरे घर से सिर्फ 2 मिनट दूर है, मतलब मेरा घर इस जगह से बहुत ज़्यादा पास है। और यहाँ पर जो नदी बह रही होती है उस जगह बैठने का अलग लेवल सुकून है। तो मैं यहाँ पर बैठती हूँ, अपने पैर यहाँ पर डुबाती हूँ और इस जगह सुकून से बैठती हूँ। मतलब एट टाइम्स आई मेडिटेट ऑल्सो, बट आई थिंक वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ मैं बहुत ज़्यादा आती हूँ, जहाँ मुझे आना बहुत पसंद है, वो है ये पार्क। आई एम बैक होम और वापस आके मैंने थोड़ी बहुत एडिटिंग कर ली है। तो ये मेरा लैपटॉप है, मैंने बेसिक स्ट्रक्चर रेडी कर लिया है इसमें वीडियो का। अभी बस 1-2 घंटे लगेंगे ताकि रिफाइन हो जाए थोड़ा सा। और रोहन, अगेन थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो थैंक यू, आपने मुझे अपना टाइम दिया। सब लोग खुश रहो, सेफ रहो, कोरोना का टाइम में अपना ध्यान रखना सब लोग। चलो अब मैं जाती हूँ, एंड ओवर टू यू रोहन। थैंक यू रितु, बहुत मस्त चीज है यार ये फिल्टर। हमेशा मैं फिल्टर पानी करता हूँ इसमें और अपनी बॉटल भर के रखता हूँ और इसमें से ही पानी पीता हूँ। इसका जो पानी का स्वाद है ना, एकदम अलग ही है। मोस्टली जब से मैं आया हूँ ना, मैं टैप वाटर भी पी लेता हूँ, नल का पानी भी पी लेता हूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों की ना इम्यूनिटी ना एकदम वीक होती है। बाहर जाते हैं जब ये पॉलन होता है उसकी एलर्जी होती है और ही बहुत सारी एलर्जीज होती हैं। भगवान की दया से मुझे ऐसी कोई भी एलर्जी नहीं है। ये पानी का टेस्ट एकदम मस्त, मजा आया था पानी पी के। रोटी और चाय, अचार और ये मक्खन है ना, सेम पंजाब जैसा है, सेम एग्जैक्टली। चलो भाई, देर आए दुरुस्त आए, नाश्ता कर लेते हैं। वाहेगुरु। वीडियो बना रहा जी, सारे ने हेलो कह दो, सारे ने हेलो कह दो। कैमरा च सारे ने हेलो कह दो। कौन है जिन्नो हेलो कहना? हेलो कैमरा, कैमरा च। तो मैं नाश्ता करता हूँ और उसके बाद आप लोगों से वापस बात करता हूँ। नाश्ता किया और उसके बाद मैं बाहर आ गया थोड़ा ऐसे चिल मारने के लिए, क्योंकि अभी शाम को एक बार काम चालू हो जाएगा, उसके बाद फ्री नहीं हो पाऊंगा। तो ऐसे ही ग्राउंड लगा लेता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता हूँ यहाँ पर। ये पहले भी वीडियो बनाई है मैंने इस जगह पे, मोहसिन के साथ आया था। अगर आपने देखी नहीं है ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग चेक कर लेना। एक ऐसा राउंड मारता हूँ और आप लोगों को भी दिखा देता हूँ कि कैसा लग रहा है। अभी बज रहे हैं 1:45 इन द आफ्टरनून, सभी अपने अपने घरों पे बैठे हैं, चिल मार रहे, रिलैक्स कर रहे हैं, घर से काम हो रहा है। और आज आप लोगों को मैं हाईवे पे लेके जाता हूँ यहाँ के, और स्टॉप साइन देखा ना, तो कहीं भी रुकना है आपको, स्टॉप साइन देखा है तो आगे बाजू आजू बाजू देखना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो ये आ गया हाईवे, ये मेन हाईवे नहीं है बट ये हाईवे को कनेक्ट करता है ये रोड। तो ठीक है गाइस, थोड़ा सा रैंडम वीडियो है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल पे, मैं ऐसे व्लॉग्स और वीडियोस बनाते ही रहता हूँ। ये थोड़ा रैंडम था, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि हमारी दिनचर्या कैसी होती है। पूरी दिनचर्या तो नहीं दिखा पाया बट जितना भी दिखा सका आपको दिखा पाया। अभी मेरा टाइम हो गया काम पर जाने का। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग, आई लव यू ऑल एंड प्लीज़ बी सेफ। बाय बाय।